हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एरन कार्ट। तो आज हम आपको दिखाएंगे ब्रेटा का M92A1 और ब्रेटा M9A3 का कंपैरिजन वीडियो। तो जो लेफ्ट साइड पे है ये है M92A1 और राइट पे ये रहा M9A3। दोनों ही जो है ब्रेटा के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही कॉरोगेटेड बॉक्स में आते हैं। पहले जो मैं इसकी आपको जो स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, पहले मैं दिखाऊंगा आपको M92A1 के, ये देखिए इसके अंदर आपको कैलिपर मिलेगा वही सेम 0.177 का। एमएसओएस के अंदर आप स्टील बीबी चला सकते हैं, ये देखिए स्टील बीबी होते हैं वाले। इसके अंदर पेलेट आप नहीं चला सकते। मैगजीन कैपेसिटी है इसकी 18 राउंड्स की। पावर सोर्स जो है इसका 12 ग्राम CO2 सिलेंडर से चलते हैं सारे। वेलोसिटी अप टू 95 मीटर्स पर सेकेंड। साइड्स जो है इसकी फ्रंट एंड रेयर दोनों ही दोनों होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ट्रिगर जो है इसके अंदर आपको डबल एक्शन मिलेगा। सेफ्टी मैनुअल मिलेगा आपको, जो इसके अंदर जो लॉक है वो आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। बैरल जो है वो स्मूथ बोर होती है। बैरल लेंथ जो है वो है 124 mm। डेंजरस एरिया अप टू 366 मीटर्स। वेट है इसका 1061 ग्राम्स। लेंथ है इसका 215 mm। ये तो मैंने आपको बताया इसकी M92A1 की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब M9A3 का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। ये भी सेम कैलिबर जो है वो दोनों का सेम है 0.177। एमओस भी जो है वो दोनों ही आप इसके अंदर दोनों में ही स्टील बीबी चलते हैं। जो इसकी कैपेसिटी है मैगजीन की इसकी भी 18 ऑंस की है। 12 ग्राम CO2 सिलेंडर से चलता है ये। वेलोसिटी इसकी है 130 मीटर्स पर सेकेंड। और हमने जो आपको दिखाई थी इसकी 92 mm की वो है 95 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी ज़्यादा है वेलोसिटी M9A3 की। साइड्स दोनों की ही फिक्स्ड हैं, इसके अंदर फ्रंट एंड रेयर आपको दोनों ही फिक्स्ड मिलेंगी। ट्रिगर डबल एक्शन एंड सिंगल एक्शन आपको दोनों ही अवेलेबल है। सेफ्टी इसके अंदर भी आपको मैनुअली लॉक लगाना पड़ेगा। इसकी भी जो बैरल होती है वो स्मूथ बोर होती है। बैरल लेंथ है इसकी 112 mm और ब्रेटा 92 mm की थी 124 mm। डेंजरस एरिया इसका जो है अप टू 300 मीटर्स है इसकी रेंज, उसकी 366 मीटर्स थी M92A1 की, तो वो ज़्यादा बेटर है, उसकी रेंज ज़्यादा बेटर है। और वेट इसका है जो है M9A3 का दैट इज़ 1080 ग्राम्स, उसका 1061 ग्राम्स था M92A1 का। और जो इसकी बैरल लेंथ है ये है 225 mm, उसकी जी उस जो M92A1 की वो थी 215 mm, तो ये उससे बड़ा है। आइए मैं आपको दोनों की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये दोनों ही आपको कॉरोगेटेड बॉक्स में मिलेंगे। दोनों के अंदर आपको यूजर मैनुअल मिलेंगे। इसके अंदर जरूर पढ़ें अगर आप इसको परचेस करते हो तो। दोनों को यूज करने से पहले आप जरूर पढ़ें इसको। पहले हम आपको दिखाएंगे M92A1 का जो फील है, इन हैंड फील जो होती है ये देखिए। यह है M9A3। दोनों ही फुल मेटल होते हैं। जो इनकी ग्रिप्स हैं वो फाइबर की होती है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं क्या है डिफरेंस, ये देखिए आपको साफ दिख रहा होगा वीडियो में। ये देखिए दोनों के अंदर आपको एक्सेसरी रेंज मिलेगी। दोनों ये मैगजीन बटन हैं दोनों के। ब्रेटा की इधर भी ब्रांडिंग है M92A1 पे, M9A3 पे भी है। दोनों के अंदर ही आप इसके अंदर CO2 सिलेंडर लगा सकते हैं, ये CO2 सिलेंडर से चलते हैं। इसका भी जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोनों के अंदर आप ये सिर्फ बीबी चलेंगे, ये गेमो बीबी होते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बाद भेजते हैं। अगर आप पिस्टल हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और आपको इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आइए मैं आपको दोनों के अंदर सिलेंडर डालना दिखाता हूँ। आपको M92A1 की भी जो एलन की है वो आपको बॉक्स में मिलेगी। देखिए हम सिलेंडर यहाँ से हम इसके अंदर लोड करना सिखाते हैं आपको। ये जो स्क्रू है वो आपको एलन कैसे लूज करना है, ये आपको लेफ्ट साइड पर घुमाना पड़ेगा। ये देखिए ये CO2 सिलेंडर्स होते हैं, 12 ग्राम्स का CO2 सिलेंडर होता है ये अलग। ये देखिए हम इसको वापस बंद करेंगे। अगर इसको हमको बंद करना है तो वापस हम राइट साइड घुमाएंगे। ये भी सही पोजीशन पे लगा नहीं है, देखिए देखो थोड़ा सा
लेफ्ट साइड पे घुमा के फिर लगाना है इसको। ये फुल टाइट हो चुका है। ये देखिए ये जो आवाज आती है इसके मतलब जो सिलेंडर वो लोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ M9A3 के अंदर सिलेंडर लोड करना कैसे डालेंगे। इसके अंदर सिलेंडर हम इसका भी सेम प्रोसीजर है। लेफ्ट साइड पे हम इसको घुमाएंगे जिसका स्क्रू है एलन की, इसके अंदर ही बॉक्स में मिलेगी आपको। इसको हम बंद बंद करेंगे। सिलेंडर लोड हो चुका है इसके अंदर। इसका प्रेशर काफी अच्छा है। ये देखिए दोनों की जो स्लाइड्स हैं वो आपको ऐसी इसी पोजीशन में आकर होती है ताकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो बीबीज हैं वो लोड नहीं हुए। या फिर जब आप सिलेंडर लोड करते हैं फिर इसके बाद आप बीबी चलाएंगे और जब बीबी आपके सारे खत्म हो गए तो इसी पोजीशन में आकर हो जाएगी है। मैं आपको दोनों की मैगजीन दिखाता हूँ कैसे होती हैं। आपको दोनों के अंदर ही लॉक मिलेगा। ये देखिए अभी हमने इसको लॉक कर दिया M9A3 को, ये फायर नहीं करेगा। अब हम M92A1 को लॉक करेंगे। ये देखिए इसको लॉक कर चुके हैं तो ये फायर नहीं करेगा। आपको मैं दोनों की मैगजीन दिखाता हूँ। ये जो राइट साइड पे ये M9A3 की और M92A1 की लेफ्ट साइड वाली दोनों ही आपको फुली कवर्ड मिलेंगी। ये देखिए M9A3 की राइट वाली है, M92A1 की लेफ्ट है, आपको दोनों ही कवर्ड मिलती हैं और दोनों के अंदर ही स्प्रिंग एक्शन होता है। आप यहाँ पे बीबीज लोड कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर करेंगे आपको क्वेश्चन का। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।